जो बस है, स्कूल बस की जो कैटेगरी है वो स्कूल संचालक द्वारा या स्कूल के स्वामित्व में स्कूल बस होती है, और उस स्कूल बस के लिए कुछ अलग से पृथक से जो मानक बनाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट द्वारा, उसका अनुपालन करना स्कूल के संचालकों का दायित्व है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि स्कूल बस में फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, उसमें एक लेडी हेल्पर होनी चाहिए, उसमें एक शिक्षक ऑल टाइम बच्चों को जब छोड़ने बस जा रही हो होना चाहिए, सीसीटीवी कैमरा, अन्य जो मानक हैं, ये मानक का पालन करने का जो दायित्व है स्कूल संचालकों का है। अगर ये स्कूल संचालक द्वारा इन मानकों का दायित्व का पालन नहीं किया जाता है तो एनफोर्समेंट प्रवर्तन की कार्रवाई के दौरान परिवहन विभाग उनके खिलाफ कार्रवाई करता है, लेकिन नैतिक रूप से और विधिक रूप से इन मानकों का अनुपालन किया जाना वाहन संचालकों या बस स्कूल संचालकों का दायित्व है। राजधानी में सभी वाहनों को चेक किया जाना संभव नहीं है, इसलिए समय समय पर अभियान लगाए जाते हैं, जिसमें 3 से 4 दल लगाए जाते हैं।